हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जय फॉर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि आप ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं टिकटॉक की बजाय। यानी कि आप टिकटॉक को अगर स्किप करना चाहते हैं बिकॉज वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है एंड वहाँ पर मेरे को एकदम अच्छा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और बनाना भी चाहते हैं बढ़िया कंटेंट, तो आपके लिए गूगल लेके आ गया अपना एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टेंगी। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने अपनी एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन कर दी है लॉन्च, जिसमें आप क्रिएटर बन सकते हैं एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली दोस्तों याद रखना कि वहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही मिलने वाला है और अच्छा कंटेंट जो कि होगा। टिकटॉक की तरह वहाँ पे नहीं होगा कि कोई भी आया और कोई भी वीडियो बना के चला गया। वहाँ पे पूरा प्रोसीजर है कि आपको क्रिएटर बनने का भी वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में आपको कैसे बनना है टेंगी पे क्रिएटर और कैसी एप्लीकेशन है ये, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे और हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो शुरू कर देते हैं, लाइक एंड शेयर आप कर ही दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो से पहले आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड अभी ये लिमिटेड कंट्रीज़ में अवेलेबल है, धीरे धीरे फैल रही है और इंडिया में भी अभी आ चुकी है ये वाली एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर पर भी जाके देख सकते हैं, आपको बताता हूँ कैसे करनी है आपको इसका सब कुछ। तो यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन में भी डाउनलोड्स वगैरह भी कमी है, तो चलो मैं आपको प्ले स्टोर पर दिखा देता हूँ क्या सीन है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर पे आप टेंगी सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ रेटिंग्स भी है, 3.8 अभी इसकी रेटिंग है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इंप्रूव होगा क्योंकि अभी नई एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे गूगल धीरे धीरे बग्स वगैरह जो देखेगा और इंटरेस्ट वगैरह जो पब्लिक का होगा उसके हिसाब से इसको चेंज करता जाएगा। और यहाँ पे आपको 10,000 प्लस डाउनलोड्स दिखा रहा है, यानी कि अभी 10 to 50,000 के बीच में इसकी डाउनलोड्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा है, इसको डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ये ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपल एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको काफ़ी ऊपर अलग अलग कैटेगरीज दिख रही है, जहाँ पे आर्ट भी है, लाइफस्टाइल भी है एंड काफ़ी अलग अलग है जिनमें आप पोस्ट कर सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं उन सभी कैटेगरीज़ में। तो इन सभी कैटेगरीज़ में पोस्ट करने के बाद वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है, किसी भी वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके क्लिक करके सिंपल अच्छे से खुल जाएगा वो। और यहाँ पे मतलब कोई भी बकवास कंटेंट अपने आप ही चलने नहीं लग जाएगा टिकटॉक की तरह। यहाँ पे आप जो कंटेंट देखना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे तभी वो प्ले होगा और देख के आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे उस पर भी। प्रोफाइल के सेक्शन में अगर चलते हैं दोस्तों, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले लॉगिन आपको किससे करना है, सिंपली अपनी जीमेल आईडी से या गूगल अकाउंट जो भी है। तो वहाँ पे आपको गूगल मेंशन कर देगा कि आपको गूगल अकाउंट से साइन इन करना है जीमेल अकाउंट से, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी चुन लेनी है जिस ईमेल आईडी पे आप अपना क्रिएटर अकाउंट बनाना चाहते हैं टेंगी का। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ प्रोफाइल सेक्शन खुल जाएगा। प्रोफाइल सेक्शन थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, हालांकि दोस्तों मैंने बताया आपको नई एप्लीकेशन है तो थोड़े से एक दो बग्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लोड लेट हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, तो ये अभी शुरू शुरू में देखने को मिलेंगे, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाई है गूगल ने। तो दोस्तों लॉगिन होने के बाद अब मैंने रीस्टार्ट कर लिया जैसे एप्लीकेशन, तो अब मेरा अकाउंट दिखा दिया यहाँ पे। यूज़र नेम की आप चिंता मत करना, ऊपर यूज़र नेम कुछ भी दिखा देगा शुरू में, आप अपना बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वीडियोस वगैरह आप पोस्ट करने के लिए यहाँ पे फॉर्म के लिए दिया गया है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा ब्राउज़र पे एंड वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशनड है कि आपको 18 प्लस होना पड़ेगा इसके लिए और आपसे कुछ मांगेगा वो डिटेल्स वगैरह और कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए मांगेगा। आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करने के बाद ही आपको वो क्रिएटर बना देगा टेंगी का। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा कि कोई भी यहाँ पे आके क्रिएटर नहीं बनता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ टैलेंटेड पीपल ही क्रिएटर बन पाएंगे और 18 प्लस जो होगा वही, 18 से नीचे वाले एज कोई नहीं यहाँ पे हो पाएगा फिलहाल के लिए। उसके बाद दोस्तों मुझे सही बताऊँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी रही है एप्लीकेशन एंड इसमें कंटेंट भी अभी तक जितना भी देखा है मुझे इन्फॉर्मेटिव ही मिला है मुझे, और अभी ज़्यादा यूज़र्स भी नहीं है और बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सही कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं अभी जो क्रिएटर्स हैं। यहाँ पे आपको बाहर के क्रिएटर्स अभी ज़्यादा दिखेंगे,
आप भी जाइए और टेंगी पे अपना अकाउंट बना लीजिए दोस्तों। और अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे टिकटॉक वगैरह पे, बट वहाँ पे आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे आपको मिलता नहीं था प्रमोशन वगैरह आपकी वीडियोज़ को, जैसा कि टिकटॉक होम पेज पे अपना पोस्ट करता था, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है। आप पोस्ट करिए अपने सिलेक्टेड टैग्स में, गूगल यहाँ पे आपकी सभी वीडियोज़ को वहाँ पे शो करेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे ये एप्लीकेशन। तो आप बताइए दोस्तों मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में आपकी क्या राय है। एंड मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ इस पर भी पोस्ट करने की थोड़े ही टाइम में, तो उस पर भी आ जाएंगे और यूट्यूब शॉर्ट्स भी आने ही वाला है शायद इस साल के एंड तक, तो वहाँ पर तो पक्का पक्का हम आएंगे दोस्तों। एंड फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप कर ही दीजिए एंड कमेंट करके बताना आपको ये वाली एप्लीकेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड